एमएस ठाकुर, गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मेरा कि किसी की मृत्यु हो जाए तो सर उनके पुनर्जन्म हुआ है वो हमें पता चल सकता है? देखिए, इस पर आपको डाउट ही नहीं करना चाहिए, आपके क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। लास्ट टाइम आप शायद, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप विश कर रहे थे मुझे हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, देखिए सभी का जन्म होता है अनटिल अनलेस वो मोक्ष की प्राप्ति न कर सकें। और जो लोग हमारे बीच में से जा रहे हैं उनका ओरा इतना सही नहीं है कि वो अभी वो मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। मोक्ष को प्राप्त करने वाले शख्स कुछ ऐसे रह सकते हैं जैसे श्री साईं बाबा, कितने कष्ट उन्होंने झेले हैं, क्या सारी चीजें करी हैं। तो अपने आपको एक बार कंपेयर करके देखो कि आपका ओरा क्या है। अगर कल को मैं आपको आपके 10,000 रुपये लेके भाग जाऊं या अभी आपको गलत मिसगाइड कर दूं, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा? आप गलत सोचना स्टार्ट कर दोगे, एक कार्मिक अकाउंट बना लोगे। लेकिन अगर आप साईं बाबा की सोचोगे तो हमेशा पूरा शरीर, पूरा लाइफ, पूरी सब कुछ उन्होंने दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, ना कुछ आने का ना कुछ जाने का। वो वाले थॉट प्रोसेस पे अभी भी उनके माध्यम से बहुत सारे लोग भोजन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो ओरा आपका बन जाएगा तो समझ लो कि जन्म नहीं हुआ, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन वो ओरा बना ही नहीं है तो इसमें चिंतन करने की जरूरत नहीं है, जन्म तो होगा ही होगा। अब आपका एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चल सकता है। देखिए, ये पता नहीं चल सकता और नेचर नहीं चाहता कि ये पता चले। अगर आप ये सारी चीजें पता कर लोगे तो जो पूरा एक गेम चल रहा है, पूरा एक जो प्रोग्राम बन के पूरा एक गेम की तरह सारी चीजें लाइफ चल रही है, तो फिर उसका मजा कहाँ आएगा? अगर वो जरूरी होता तो आपके पास्ट बर्थ भी आपके सामने होते, लेकिन आपके अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, लेकिन आप नहीं जानते हो, वो दूसरी बात है। जब आप अपने आप को हिप्नोटाइज करते हो, अपने भौतिक मन को शांत करते हो, तो आपको पता चलता है क्या समथिंग इज देयर। जब आप सोने जाते हो या मेडिटेशन में जाते हो, तो जब आपका कनेक्शन भौतिक मन से टूट जाता है, तो उस समय आपका मन का जो कनेक्शन रहता है सबकॉन्शियस माइंड के, यानी कि अवचेतन मन से रहता है, तो उस समय आपको पता लगता है कि हाँ सब कुछ पहले भी हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें पता चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो नेचर है ये भी नहीं चाहता। कविता चन्याल, सर नमस्कार। सर, जो हमारे परिजन आत्मलोक में हैं, जब हम दुनिया से चले जाएंगे आत्मलोक में, क्या वो हमको मिलेंगे? देखिए कविता जी, इट्स डिपेंड ऑन की सिचुएशन क्या है। जरूरी नहीं है कि उनकी लाइफ साइकिल तब ऐसा हो कि वो वहां पे बैठे हुए मिले। अभी आप इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे आपके ग्रैंड फादर हैं या ग्रैंड डॉटर हैं या मदर हैं, कुछ ऐसे होंगी, तो वो अभी आज कहाँ होंगे, कभी कितने पहले गए होंगे। क्योंकि ये तो अगर कर्म है तो जन्म और मरण भी है, इसको सपोज ऐसे इस हिसाब से समझ के चलो। अगर कर्मा जैसी चीज है तो जन्म का होना और मरना भी है। और जब वो सारी चीजें हैं तो देखिए, जो लोग यहाँ से अपनी पूरी आयु को कंप्लीट करके कह लो या अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके गए हैं, तो उन्होंने फिर से जन्म लिया होगा। तो जब आप जाओगे तो वो कहीं बच्चे होंगे, माइट भी हो सकता है कि उनके हिसाब से सबको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कहीं जैसी आपकी एज है, जब यहां से जाओगे तो इस एज में भी कहीं हो, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मिलेंगे ही, लेकिन इट्स वेरी नेचुरल कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्योंकि हर एक शख्स की लाइफ साइकिल अलग अलग होती है, तो कुछ कुछ समय मिलते हैं। और इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन कि हाउ कर्मा यू आर डूइंग, कि कर्म को कैसे कर रहे हो, बुरा तो नहीं बना रहे हैं, फिर आपको कोई लेने भी नहीं आता। प्रियंका कुदापे, प्रियंका पूछ रही, कभी कभी ऐसा लगता है मैंने सही डिसीजन नहीं लिया, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करके मैं बस पापा को बचाना चाहती थी, पर मन में भी गिल्ट फील कर रही हूँ। प्रियंका, ये गिल्ट आपको आएगा ही। अब ये गिल्ट नहीं आएगा तो आप कैसे बात करोगे कि आत्मा भी होती है, सुभाष भी है, प्राचीन कहानियां चैनल है जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, हमारे तरफ कैसे आओगे, हमारे परिवार को कैसे बढ़ाओगे? अगर वो गिल्ट ना होता तो आप यहाँ आते ही नहीं हो। आपको जैसे वो मटेरियलिस्टिक चीजों में घिसे पड़े हो पहले से, हाँ पैसा कमाना, जॉब जानी है, स्टडी करनी है, ये करना वो करना है, जो रियल एक इम्पोर्टेंट चीज है उसको तो आप भूल जाते। लेकिन ये इंसिडेंट हुआ क्योंकि आप टर्न ऑन हो गए, आप उधर घूम गए, इम्पोर्टेंट तो ये है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी ये वर्कआउट नहीं कर रही, स्टिल वर्कआउट नहीं कर रही। तो देखिए, ऐसा करती वैसा हो जाता, वैसा करती ऐसा हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आपको उस समय करा ही इसलिए जाता है कि ताकि ना हो। अगर ऐसा करते वैसा हो जाता तो देखिए आज संसार भर जाता, कौन
कौन परिजन चाहता है कि उसके जिसे वो प्यार करते हैं या जिसके वो बच्चे हों या उनके माता पिता यहाँ से चले जाएं। अगर हमारे हाथ में होता तो हम 1000 ईयर्स के लिए भी उनको रखते, और 1000 ईयर्स के हम हमेशा के लिए उनको रखते, तो कौन चाहता है? आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी चाहता है। सब चाहते हैं कि हमारे परिजन यहाँ पे रहें, हमारे साथ रहें, और हम तो ये भी चाहते हैं कि यंग रहें, जैसे आज मैं और आप देखते हैं इस तरह से रहें, ताकि हम जिस हिसाब में उनका यूज कर रहे हैं वो यूज करते रहें। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं। गोलू जॉर्डन, कैसे पता करें कि आत्मा ने जन्म लिया है? नहीं, देखिए इस पे एक स्टैंडर्ड थ्योरी यह है कि 5 महीने के अंदर जन्म ले लेते हैं। कुछ सोल के कार्मिक अकाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनको कैसा गर्भ चाहिए, तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि सपने माना बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये रहना कि आपके सपने माना बंद कर देते हैं लेकिन दूसरे के, क्योंकि अगर आप स्टेबल नहीं हो तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस रहते हैं। अगर आपको ज्यादा पूछना है तो आप एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। विकास शर्मा, हेलो सर। हेलो जी विकास, कैसे हैं आप? तो देखिए, हमारी कुछ दो बुक्स थी जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और क्यों इम्पोर्टेंट है उनके पीछे की भी मैं आपको वजह बताऊंगा, जो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हमारी दो बुक्स हैं, एक है प्योर स्पिरिचुअलिटी, एक है अवेकन सोल। आपको नाम नहीं दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ तो उल्टा दिखेगा, लेकिन हाँ, ये दोनों बुक्स जो है एक स्पिरिचुअल बुक है, जो आप लोग अक्सर खोजते रहते हैं ना कि सर हमें कोई स्पिरिचुअल बुक बताओ, तो उसी के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बुक क्यों है, कैसे है, आप ये भी जानना चाहते होंगे तो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्योर स्पिरिचुअलिटी जो बुक है वो रिलेटेड है कि आपको जो जन्म से एक अंधकार में रखने की या ऐसी ट्रेनिंग देने का जो प्रोसेस चलता है, हमारे कल्चर से, हमारे घर से, या जो भी आपके अंदर मिलावट करते हैं, और मिलावट करने के बाद में आपको एक समय अपने आप में ठगा से महसूस करते हो कि मेरे साथ में हुआ क्या, मैंने लाइफ में आके करा क्या, तो उस जो ठगपन को से दूर करने के लिए जो प्योर स्पिरिचुअलिटी बुक है वो आपके हेल्प करती है, ताकि जो आप अंधकार में जी रहे थे उससे निकल कर आप प्रकाशीय चीज़ों में आ सको, जो एक प्रोसेस है उसमें आ सको। नेचर आपसे क्या चाहता है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्या रिलीजियस होने के कारण आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या खो रहे हो, और जो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आ सकते हो क्या क्या प्राप्त कर सकते हो, और किन किन चीज़ों से हट सकते हो जो आपको अंधकार में लेके जा सकती है, इस चीज का सारा ज्ञात ज्ञान ये बुक कराएगी, आपको पूरा ज्ञान ही आपको बना देगी, स्पिरिचुअल लेवल से जो आज आपका लेवल है उससे आपको अपग्रेड कर देगी। ये बुक कोई भी रेफर कर सकता है, चाहे आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही हो चाहे हो चुकी हो, क्योंकि इसमें इतने अच्छे से समझाया गया है, जैसे कि आपकी एक व्हाट्सएप पे अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं अपने परिजनों की तरह, परिजनों के साथ में, उस हिसाब से जब हम ये सारे चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो उसी लैंग्वेज को मैंने इसमें डाला है, ताकि आप बोर फील ना करो, आपको ग्रंथ के ग्रंथ ना लगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहे, तो बहुत सिंपलीफाइड करके लिखा हुआ है, विद पिक्चर मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ, एक हमारी बुक है जो दूसरी है अवेकन सोल। अगर मैं इनकी बात करूँ तो अवेकन सोल इस तरह का काम करती है, ठीक है, आप अंधकार से तो यहाँ पर आ चुके हो, अंधकार से आने के बाद में अब आप जियोगे कैसे, चलो स्पिरिचुअलिटी का लेवल तो आ गया, अब आप अवेकन कैसे होगे, अपने आप को समर्पण कैसे करोगे, इच्छाओं को कैसे काबू में करोगे, मेडिटेशन क्या मतलब सच में वर्कआउट करता है या सिर्फ जो चौंचड़े सिखाए जा रहे हैं इस हिसाब से होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सोल कैसे जन्म लेती है इसके बारे में, सोल हमारा पर्पस क्या है, भगवान से हम कैसे बात कर सकते हैं, क्या भगवान जैसा हम सोचते हैं ऐसे ही होते हैं, तमाम तरह की चीजें इसमें दी हुई हैं जो अवेकन करती है, जैसे इस बुक का टाइटल है अवेकन सोल, तो वो तो आपको प्योर स्पिरिचुअलिटी मतलब आपको एक जो लेवल है उससे अपग्रेड करके एडवांस लेवल पे लेके जाती है, और जो ये है अवेकन सोल, ये आपको अवेकन करती है, जागृत करती है कि जो जीवन आप जी रहे हो उसमें आप सही भी हो या ऐसे ही हो। तो आई होप कि ये बुक आपका जो कॉन्सेप्ट है दोनों क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में मैं अब आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये बुक आपको कैसे परचेस करना चाहिए। तो इनको परचेस करने के लिए देखिए, अमेजन किंडल ऑलरेडी जो एक सॉफ्ट कॉपी वाला वर्जन है वो अवेलेबल है वहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर आपको हार्ड फॉर्मेट चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, हमें व्हाट्सअप करना है, जो हमारा नंबर है
800 पे, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस उनसे पूछना है कि मुझे आपकी बुक ऑर्डर करनी है। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, कि आप इसको कंबाइंड लीजिए, दोनों बुक को एक साथ में लीजिए। उसमें आपको राहत क्या मिलेगी, देखिए ये दोनों एक बहन की तरह है, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है। बड़ी बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, छोटी बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, लेकिन आप दोनों के बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों बुक को लीजिए। और इसमें अगर फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फाइनेंशियली आपको सेव हो जाते हैं कुछ पैसे, जैसे कि जो भी प्राइस है उसमें ऐसे 200 रुपये कम से कम आपको सेव हो जाएंगे, और प्लस शिपिंग चार्जेस, जो अगर आप बार बार मंगाओगे तो एक बार फिर आपको कोरियर का देना पड़ेगा एक बार फिर, लेकिन इसमें हमने फ्री रखा हुआ है। तो क्योंकि हमारा कमाने का मतलब नहीं है, बस ये मतलब है ताकि आपका जो भी एक अवेकनिंग पर्पस है, जो आप अवेकन होने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको हेल्प मिल जाए। लास्ट में इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस बुक से जो भी अर्निंग होगी वो अर्निंग एक ऐसे जगह लगेगी जो बहुत जल्दी मैं आपके साथ में रिवील करने वाला हूँ। एक सेंटर हम बिल्ड कर रहे हैं, वो हम सबका सेंटर रहेगा, और उस सेंटर में जब आप आओगे तो आपकी सारी चीज़ें, मतलब अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस एक समय आएगा और आप खुद एक्सप्लेन करोगे कि ये क्या है। तो बस ये एक प्रोसेस है, आई होप कि थोड़ा थोड़ा आप हमें सपोर्ट करोगे, और सपोर्ट करके जो भी आउटपुट आपको मिलेगा उसमें आप खुद की मदद करोगे, भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। बस इतना ही चाहता हूँ।